बड़वानी के वाड़सात कुमार मोहल्ले में अज्ञात बुजुर्ग महिला की मिली लाश। पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ड्यूटी जांच में मृतक बुजुर्ग महिला के पास रखी थैली में से बुजुर्ग महिला का आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड भी मिला है, जिसमें उसका नाम फुंदाबाई, पति रेवाल सिंह, निवासी अवली खेड़ा होलगांव सिलावत लिखा हुआ है। उक्त पूरी घटना को लेकर बड़वानी पुलिस जुटी है जांच में। वार्ड 7 कुमार मोहल्ला रोटरी स्कूल के समीप ओटले पर मिली अज्ञात बुजुर्ग महिला की लाश। क्या नाम है आपका? रवि बोले। गोले जी, क्या हो गया यार? ये क्या ओटले पे लाश गई, माँ पड़ी है तो शांत हो गई सर। ये कब देखा आप लोगों ने? अभी अब 2 मिनट पहले देखा था। कौन सा मोहल्ला है ये? कुमार मोहल्ला है। क्या बुजुर्ग महिला दिख रही है? बुजुर्ग महिला है। कौन सा वार्ड है? वार्ड क्रमांक 7। स्थानीय भारूड मोहल्ले में गाय के बछड़े की हत्या करने वाले के विरुद्ध सकल हिंदू समाज द्वारा ज्ञापन देकर कार्रवाई, कोतवाली में FIR। स्थानीय भारूड मोहल्ला निवासी राहुल पिता राजेश धनगर द्वारा मोहल्ले में गौमाता के बछड़े को लठ्ठ से क्रूरतापूर्वक मारने पर बछड़े की हत्या कर उसे 4-पहिया वाहन में ले जाते हुए CCTV फुटेज के वायरल होने के बाद सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार देर शाम कोतवाली में TI राजेश यादव को ज्ञापन सौंप गौ माता के बछड़े को क्रूरतापूर्वक लठ्ठ से मारकर हत्या करने वाले भारूड मोहल्ला धनगर मोहल्ला निवासी राहुल पिता राजेश धनगर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। वहीं TI राजेश यादव द्वारा सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर राहुल पिता राजेश धनगर पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। बुधवार देर रात हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक हुआ गंभीर घायल। स्थिति बिगड़ने पर जिला अस्पताल किया गया रेफर।
अंजय ठिकरी मार्ग पर स्थित सेमलदा डे फाटे के समीप पुलिया पर बुधवार देर रात भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 19 वर्षीय युवक उमेश पिता भीमा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 के पायलट अनिल वर्मा व ईएमटी संतोष सेन के द्वारा इमरजेंसी में सिविल अस्पताल अंजड़ लाया गया। यहां युवक का प्राथमिक उपचार करने के दौरान युवक की स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर रोहित मंडलोई द्वारा युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि घायल युवक बालकुआ का निवासी है। देर रात रोड पर अंधेरा ज्यादा होने से घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। रोड दुर्घटना के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को उपचार के लिए अंजड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से युवक उमेश पिता भीमा निवासी बालकुआ को रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार उमेश किसी काम से ठीकरी गया था, वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि चकेरी से ठीकरी तक के मार्ग पर अंधेरा पसरा होने की वजह से लगातार एक के बाद एक बाइक सवार लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। फिलहाल युवक को जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवाया गया है। गोकुल धाम महिला मंडल नीम घाट जुलवानिया द्वारा गणेश जी के 10 दिवसीय उत्सव के तहत महिला मंडल द्वारा 56 भोग एवं महामा आरती का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के प्रमुख कविता साहू ने बताया कि प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम के साथ में आरती की जा रही है। बुधवार को 56 भोग लगाकर महा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।